अस्सलामुअलैकुम मोहतरम खवातीन व हज़रात, 23 अक्टूबर 1954 का दिन था। इस वक्त के नए वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा को अमेरिका का दौरा अधूरा छोड़कर वापस बुला लिया गया। वो अमेरिका से लंदन के रास्ते कराची वापस आए तो हवाई अड्डे से इन्हें पुलिस की सख्त पहरे में अमली तौर पर एक कैदी की तरह सीधा गवर्नर जनरल हाउस ले जाया गया, जहां गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद, फौज के कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान और इस जमाने के मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा सलाह मशवरा कर रहे थे। मजीद वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हवाई अड्डे पर मौजूद सहाफियों ने वजीर आजम बोगरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें साफ मना कर दिया गया। हत्ता के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर कर्नल मजीद भी बेबस थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वजीर आजम के साथ क्या हो रहा है। इस दिन कराची में भारी तादाद में फौज के दस्तों को नकलो हरकत करते देखा जा सकता था। तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म था और क्यासा आरायों का जोर था। ये हैरत अंगेज रात थी। पूरी रात सहाफी अनजाने अहम ऐलान का इंतजार करते रहे। गवर्नर जनरल हाउस में 3 कटोले के तवील सलाह मशवरे और मनसूबा बंदी के बाद बंदर रोड पर रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो ले जाया गया, जहां से इन्होंने मुल्क में हंगामी हालत के नाफिज और पहली दस्तूर साजी की तहलील का ऐलान किया। ये ऐलान इस वक्त हुआ जब दस्तूर साज असम्बली के आयन की बुनियादी असूलों की कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर ली गई थी और मुल्क के पहले आयन का मसला 6 रोज बाद अवाम में पेश किया जाने वाला था। ये 24 तारीख थी। पाकिस्तान के जमहूरियत पर यह पहला और एक भरपूर कारोबार था। इस जमाने में सियासी जोड़ तोड़ के जरिए बनने वाले गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद ने दस्तूर साज असम्बली को तोड़कर मलक को इन भूल भलियों में धकेल दिया, जिनसे वो अब तक नहीं निकल सका। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।